30 मई को केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके संबंध में भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि देश में 30 मई को केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार को 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसको देखते हुए महानगर के कार्यकर्ता सेवा कार्य के तहत रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा सेवा व संगठन में ही विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि महानगर कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिदिन 100 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 52 लोगों ने रक्तदान किया था। इस अवसर पर भाजपा के महानगर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 30 मई को 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं कार्यकाल के। उसी उपलक्ष में ये भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के द्वारा रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा ही संगठन में विश्वास करती है। उसी सेवा के भाव से रक्तदान का कार्यक्रम ये चल रहा है हमारे सभी मोर्चों के द्वारा। और हम लोगों का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी महानगर का लक्ष्य है कि कम से कम 100 यूनिट हम लोग रक्तदान करावें, ताकि जो इस समय कोविड की महामारी चल रही है, कोविड की महामारी में जो गंभीर पेशेंट हैं और अन्य बीमारियों से ग्रसित जो गंभीर पेशेंट हैं, उनकी मदद किया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। अभी तक कितने लोगों ने रक्तदान किया? कल 52 लोगों का रक्तदान हुआ था और आज भी लक्ष्य है हम लोगों का, लगभग 50 लोगों का रक्तदान कराने का आज भी लक्ष्य है। ये कितने देर तक रक्तदान चलेगा? ये 2 बजे तक चलना है।